नमस्कार। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रतीक उपाध्याय, सहायक आचार्य। आज हम लोग सर्वांगसमता एवं समरूपता प्रकरण पे चर्चा करेंगे तथा उसे समझने का प्रयास करेंगे। सर्वांगसमता, दो वस्तुओं के सर्वांगसम होने का संबंध सर्वांगसमता कहलाती है। समतल पर ज्यामिति आकृतियों की दो विशेषताएं हो सकती हैं, पहला उनका रूप, दूसरा उनका आकार। जब वस्तुएं या आकृतियां रूप एवं आकार दोनों में ही समान होती हैं तब वे वस्तुएं सर्वांगसम कहलाती हैं। अर्थात सर्वांगसम वस्तुएं एक दूसरे की हूबहू प्रतिलिपियां होती हैं। हम अपने दैनिक जीवन में सर्वांगसम वस्तुओं या सर्वांगसम आकृतियों के अनेक उदाहरण देख सकते हैं। डाक का टिकट, ब्लेड, राइटिंग पैड, एटीएम कार्ड इत्यादि देखेंगे आप तो एकदम हूबहू एक दूसरे की प्रतिलिपियां होती हैं। अतः इन्हें हम सर्वांगसम वस्तुएं या सर्वांगसम आकृतियां कह सकते हैं। सर्वांगसमता को चित्र में दिखाए गए चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। दो आकृतियां जब एक दूसरे को पूर्णतया ढक लेती हैं तो दोनों आकृतियां सर्वांगसम कहलाती हैं। सर्वांगसम का अर्थ है सभी अंग समान होना, अर्थात सभी प्रकार से बराबर होना। चित्र में ए और बी दो आकृतियां हैं। अगर हम इनको एक के ऊपर एक रखें तो ये आकृतियां एक दूसरे को पूर्णतया ढक लेंगी। अतः इस आधार पे हम कह सकते हैं कि आकृति ए और आकृति बी सर्वांगसम हैं। बीच वाले चित्र में कुल चार आकृतियां दिखाई पड़ रही हैं। आकृति एक, आकृति दो, आकृति तीन और आकृति चार। क्या आप बता पाएंगे कि कौन सी आकृतियां इसमें सर्वांगसम हैं? अगर आप देखते हैं तो आप पाएंगे कि आकृति एक और आकृति चार सर्वांगसम हैं, क्योंकि आकृति एक और चार को एक के ऊपर एक रखने से एकदम से दोनों एक दूसरे को ढक लेंगी। अर्थात आकृति एक और आकृति चार हूबहू एक दूसरे की प्रतिलिपियां हैं, जबकि बाकी आकृतियां सर्वांगसम नहीं कही जा सकती हैं। नीचे के चित्र में F1 और F2 दो आकृतियां दिखाई पड़ रही हैं। ये दोनों आकृतियां भी सर्वांगसम हैं, क्योंकि इन आकृतियों के सभी अंग समान हैं। सभी प्रकार से ये आकृतियां एक दूसरे के बराबर हैं। यदि दो रेखाखंडों की लंबाई समान हो तो उन्हें हम सर्वांगसम रेखाखंड कहते हैं, जबकि इसके विपरीत यदि दो रेखाखंड सर्वांगसम हैं तो उनकी लंबाई समान होगी। जैसा कि हम जानते हैं, रेखाखंड को हम AB से प्रदर्शित कर सकते हैं। चित्र में रेखाखंड AB और रेखाखंड CD दिखाई पड़ रहा है। हम AB बराबर CD लिखते हैं जब रेखाखंड AB और रेखाखंड CD बराबर हों। वास्तव में AB और CD बराबर न होकर सर्वांगसम होते हैं, लेकिन व्यवहारिक भाषा में इसे हम AB बराबर CD लिखते हैं। चित्र दो में आप देख सकते हैं कि PQ और RS दो रेखाखंड हैं जो कि सर्वांगसम नहीं कहे जा सकते, क्योंकि ये दोनों रेखाखंडों की लंबाइयां असमान हैं। यदि दो कोणों की माप समान हो तो दोनों कोण सर्वांगसम कहे जाते हैं। चित्र एक और चित्र दो में दो कोण बने हुए हैं। कोण CBA 40 अंश का कोण है तथा कोण RQP 40 अंश का कोण है। चूंकि दोनों कोणों की माप समान है, अतः हम कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के प्रतिलिप हैं। अतः कोण ABC और कोण PQR सर्वांगसम हैं।
इसके विपरीत यदि दो कोण सर्वांगसम हैं तो उनकी माप भी सदैव ही समान होगी, अर्थात सर्वांगसम होने पे दो कोण समान होते हैं और समान कोण होने पे दोनों सर्वांगसम कहे जाते हैं। नीचे के चित्र में दो कोण दिखाई पड़ रहे हैं, कोण LMN जो कि 30 अंश का है तथा दूसरा कोण XYZ जो कि 40 अंश का है। ऊपर की विशेषता के आधार पर हम कह सकते हैं कि कोण LMN और कोण XYZ सर्वांगसम नहीं हैं। यदि दो त्रिभुज समान आकार एवं समान आमाप के होते हैं तो वे सर्वांगसम त्रिभुज कहे जाते हैं। चित्र में ABC तथा PQR दो त्रिभुज दिखाई पड़ रहे हैं। ये दोनों त्रिभुज समान आकार और समान आमाप के हैं। कहने का आशय यह है कि इन दोनों त्रिभुजों का रूप तथा आकार दोनों ही समान हैं, अथवा दूसरे शब्दों में यदि पहले त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज के ऊपर रखा जाए तो ये पूरी तरह से उसे आच्छादित कर लेगा। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के सर्वांगसम हैं। यदि त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत भाग समान होते हैं। नीचे के चित्र में आप देख सकते हैं ABC एक त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज PQR है। दोनों चित्रों की तुलना करने से हमें ज्ञात होता है, जैसा कि चित्र में दिखाई भी पड़ रहा है, कि त्रिभुज ABC की भुजा AC त्रिभुज PQR की भुजा PR के बराबर है। त्रिभुज ABC का शीर्ष A त्रिभुज PQR के शीर्ष R के संगत है, उसी तरह से शीर्ष C शीर्ष P के संगत है और शीर्ष B शीर्ष Q के संगत है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के सर्वांगसम है। त्रिभुजों की सर्वांगसमता के लिए कुछ प्रतिबंध होते हैं, अर्थात कब दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे और कब दो त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होंगे। आइए इसके बारे में हम लोग जानने और समझने का प्रयास करें। पहला प्रतिबंध है SSS प्रतिबंध। SSS का आशय भुजा 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 है। S का अंग्रेजी रूपांतरण है साइड, साइड का अर्थ होता है भुजा। भुजा 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 प्रतिबंध क्या होता है? यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कहे जाएंगे। चित्र में दो त्रिभुज दिखाई पड़ रहे हैं, ABC पहला त्रिभुज है, PQR दूसरा त्रिभुज है। जब हम इनकी भुजाओं की तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि इनकी संगत भुजाएं बराबर हैं। जैसे भुजा AB 3.5 सेंटीमीटर है त्रिभुज ABC की, वहीं त्रिभुज PQR की भुजा PR 3.5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब भुजा AB बराबर भुजा PR। अगर हम दूसरी भुजा को लें, त्रिभुज ABC की भुजा AC 5 सेंटीमीटर है और त्रिभुज PQR की भुजा QR भी 5 सेंटीमीटर है, अर्थात भुजा AC बराबर भुजा QR। त्रिभुज ABC की तीसरी भुजा BC 7.1 सेंटीमीटर है और त्रिभुज PQR की तीसरी भुजा PQ भी 7.1 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की संगत भुजाएं क्रमशः एक दूसरे के बराबर हैं। अर्थात यदि दो त्रिभुजों में पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं, या यूं कहें कि दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो, तो हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। इसे हम SSS प्रतिबंध कहते हैं, क्योंकि सर्वांगसम होने के लिए इसमें त्रिभुज की भुजाओं को आधार बनाया गया है। SSS प्रतिबंध के बाद हम सर्वांगसमता के दूसरे प्रतिबंध पर आते हैं। दूसरा प्रतिबंध
SAS प्रतिबंध कहलाता है। SAS का आशय है भुजा कोण और भुजा प्रतिबंध। S से आशय साइड से है और A से आशय एंगल से है। भुजा कोण भुजा प्रतिबंध क्या होता है, आइए हम देखते हैं। एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण जब दूसरे त्रिभुज की दो संगत भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कहे जाते हैं। चित्र में ए बी सी पहला त्रिभुज है, पी क्यू आर दूसरा त्रिभुज है। पहले त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी 2 सेंटीमीटर है और भुजा बी सी 4 सेंटीमीटर है तथा कोण ए बी सी 50 अंश का है। वहीं दूसरे त्रिभुज में त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा पी क्यू 2 सेंटीमीटर की है और भुजा क्यू आर 4 सेंटीमीटर की है, जबकि कोण पी क्यू आर 50 अंश का है। हम देख सकते हैं कि दोनों ही त्रिभुज की दो संगत भुजाओं और उनके बीच का कोण आपस में बराबर है, अर्थात भुजा ए बी बराबर भुजा पी क्यू दोनों ही 2 सेंटीमीटर की हैं। वहीं भुजा बी सी बराबर भुजा क्यू आर दोनों 4 सेंटीमीटर की हैं और इन दोनों भुजाओं से बना हुआ कोण ए बी सी 50 अंश का है, जबकि दूसरे त्रिभुज में कोण पी क्यू आर 50 अंश का है। अर्थात दोनों त्रिभुजों को अगर तुलना की जाए तो पहले त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं के बराबर हैं तथा इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण भी दोनों त्रिभुजों में बराबर है, अतः ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो जो शेष भुजा और शेष कोण हैं वो भी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। नीचे के त्रिभुज में आप देख सकते हैं एक त्रिभुज सी ओ बी है जबकि दूसरा त्रिभुज ए ओ डी है। भुजा सी ओ भुजा ओ डी के बराबर है, भुजा ए ओ भुजा ओ बी के बराबर है और कोण ए ओ डी बराबर कोण सी ओ बी के है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण हैं तो आपस में बराबर होंगे। इस प्रकार हम पाते हैं कि दो भुजाएं और उन दो भुजाओं से बना हुआ कोण दोनों त्रिभुजों में बराबर हैं, अतः त्रिभुज ए ओ डी और त्रिभुज सी ओ बी सर्वांगसम होंगे। अभी हमने देखा कि त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण जब दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके बीच का कोण के बराबर हो, अर्थात शॉर्ट फॉर्म में इसे हम एस ए एस कहते हैं, तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। लेकिन अगर त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं और एक कोण दूसरे त्रिभुज के किन्हीं भी दो भुजाओं और एक कोण के बराबर हों तो यह आवश्यक नहीं है कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। अर्थात ए एस एस मतलब एक कोण और दो भुजाएं अथवा एस एस ए अर्थात कोई भी दो भुजाएं और एक कोण के बराबर होने से दोनों त्रिभुज सदैव ही सर्वांगसम नहीं हो सकते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर दिए गए हैं। भुजा ए बी 5 सेंटीमीटर की है, दूसरे त्रिभुज में भुजा पी क्यू 5 सेंटीमीटर की है, मतलब दो भुजाएं बराबर हो गई। उसी तरह से भुजा बी सी 4 सेंटीमीटर की है तथा भुजा क्यू आर भी 4 सेंटीमीटर की है, इसलिए ये भुजाएं भी दोनों त्रिभुजों में बराबर हैं और एक कोण भी बराबर है। लेकिन वह कोण इन दो भुजाओं के बीच का कोण नहीं है। पहले त्रिभुज में ए बी सी में कोण ए सी बी 50 अंश का है, जबकि दूसरे में कोण क्यू पी आर 50 अंश का है। अतः हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होंगे। कहने का अर्थ यह है कि सर्वांगसम होने के लिए एस ए एस प्रतिबंध तो होता है, लेकिन एस एस ए अर्थात भुजा भुजा कोण प्रतिबंध नहीं होता है या ए एस एस प्रतिबंध भी नहीं होता है। तीसरा प्रतिबंध सर्वांगसमता का ए एस ए प्रतिबंध कहलाता है, अर्थात कोण भुजा कोण प्रतिबंध। आइए हम इसको समझते हैं। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत की भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों और अंतर्गत भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कहे जाते हैं। चित्र में ए बी सी
तथा पी क्यू आर दो त्रिभुज हैं। त्रिभुज ए बी सी के दो कोण, कोण ए बी सी और कोण ए सी बी दिए गए हैं, जो क्रमशः 60 और 45 अंश के हैं। दोनों कोणों के अंतर्गत की जो भुजा है बी सी, वो 4 सेंटीमीटर की है। त्रिभुज पी क्यू आर में आप देख रहे हैं कि कोण पी क्यू आर 60 अंश का है तथा कोण पी आर क्यू 45 अंश का है, जबकि इन दोनों कोणों के अंतर्गत भुजा क्यू आर 4 सेंटीमीटर की है। अर्थात दोनों त्रिभुजों में दो कोण तथा उनके अंतर्गत की भुजा समान है, अतः हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। जब त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो त्रिभुज के अन्य कोण और अन्य भुजाएं भी आपस में बराबर होंगे, अर्थात संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होंगी। इसे हम ए एस ए प्रतिबंध कहते हैं। ए एस ए प्रतिबंध ए ए एस प्रतिबंध के समानांतर या बराबर ही होता है। ऐसा इसलिए होता है कि यदि दो त्रिभुजों में यदि दो संगत कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण स्वतः ही बराबर होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। यदि दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण स्वतः बराबर हो जाएगा, और इस प्रकार से ए एस ए प्रतिबंध ए ए एस प्रतिबंध के समान ही हो जाएगा। अब हम त्रिभुजों की सर्वांगसमता के गुण के बारे में जानेंगे। एस ए एस प्रतिबंध त्रिभुजों की सर्वांगसमता के किस विशेषता के बारे में बताता है? सम द्विभाव त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। चित्र में ए बी सी एक सम द्विभाव त्रिभुज है, जिसकी भुजाएं ए बी और ए सी आपस में बराबर हैं, जबकि भुजा बी सी आधार है। चित्र में हम त्रिभुज ए बी सी को देख रहे हैं। भुजा ए बी के सम्मुख कोण सी और भुजा ए सी के सम्मुख कोण बी आपस में बराबर होंगे, जिसे हम एस ए एस प्रतिबंध द्वारा सिद्ध कर सकते हैं। शीर्ष ए से डी पर अगर लंब खींचें और एस ए ए शीर्ष ए से भुजा बी सी पर डी बिंदु पर अगर लंब खींचें और एस ए एस प्रतिबंध को देखें, तो हम पाएंगे कि त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए डी सी सर्वांगसम हैं, और इस प्रकार से कोण सी और कोण बी आपस में बराबर हो जाएंगे। सर्वांगसमता के तीन प्रतिबंधों को जान और समझ लेने के पश्चात हम एक विशेष प्रकार के प्रतिबंध के बारे में जानेंगे, समझेंगे, जिसे हम आर एच एस प्रतिबंध कहते हैं। आर से आशय राइट एंगल ट्रायंगल से है, एच से हाइपोटेनस और एस साइड्स को दर्शा रहा है। किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण तथा एक भुजा क्रमशः किसी दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण तथा एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं। चित्र एक में दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज पी क्यू आर तथा दूसरा त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी है। अगर हम दोनों त्रिभुजों की तुलना करें तो हम पाते हैं कि दोनों ही त्रिभुज में कर्ण आर क्यू और दूसरे त्रिभुज का कर्ण ए सी बराबर है, जबकि एक भुजा त्रिभुज पी क्यू आर की 3 सेंटीमीटर और त्रिभुज ए बी सी की 3 सेंटीमीटर है, और ये दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं, इसलिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। वहीं हम दूसरे चित्र में देख रहे हैं कि दो त्रिभुज दिए हुए हैं ए बी सी और पी क्यू आर। इन दोनों त्रिभुजों में भी एक भुजा बराबर है, दोनों ही त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं, लेकिन दोनों के कर्ण अलग अलग हैं, इसलिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं कहे जाएंगे। दो त्रिभुजों के तीनों कोणों की समता सर्वांगसमता के लिए पर्याप्त नहीं होती है। अगर दो त्रिभुज हम लें और उनके तीनों कोण अर्थात तीनों संगत कोण अगर बराबर हों, तो भी यह आवश्यक रूप से नहीं कहा जा सकता है कि वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। हम चित्र में 1, 2, 3, 4 त्रिभुज देख रहे हैं। त्रिभुज 1 और 2 के सभी कोण
या सभी संगत कोण एक दूसरे के बराबर हैं, लेकिन त्रिभुजों का रूप तो एक जैसा है, लेकिन आकार भिन्न होने के कारण ये त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है। उसी तरह से त्रिभुज 3 और 4 भी रूप में एक जैसे हैं, लेकिन आकार भिन्न होने के कारण सर्वांगसम नहीं कहे जा सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के कोणों के समान होने पर भी आवश्यक नहीं है कि वे त्रिभुज सर्वांगसम हों। किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है जिसके दो कोण, कोण ABC और कोण ACB बराबर हैं, जो कि 50 अंश के हैं। तो कोण ACB की सम्मुख भुजा AB कोण ABC की सम्मुख भुजा AC के बराबर होगी। इसे हम सर्वांगसमता के ASA प्रतिबंध द्वारा सिद्ध कर सकते हैं, जो बताता है कि यदि दो त्रिभुजों के दो कोण और उनके अंतर्गत की भुजा बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कहे जाएंगे। सर्वांगसमता को समझने के पश्चात अब हम त्रिभुजों की या आकृतियों की किसी भी ज्यामितीय आकृति के दूसरी विशेषता, जिसे हम समरूपता कहते हैं, उसको जानने और समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि पहले चर्चा की जा चुकी है, किसी समतल पर ज्यामितीय आकृति के दो पक्ष होते हैं, आकार और रूप। जब आकृतियों का आकार तथा रूप दोनों समान होते हैं, तब वे आकृतियां सर्वांगसम आकृतियां कहलाती हैं। जब आकृतियों का रूप समान हो परंतु आकार भिन्न भिन्न हो, तो वे आकृतियां समरूप आकृतियां कहलाती हैं। चित्र 1 में आप देख सकते हैं, आकृतियों का रूप तो समान है, लेकिन उनके आकार भिन्न भिन्न हैं। चित्र 2 में भी आप देख सकते हैं कि सभी आकृतियों के रूप एक जैसे हैं, लेकिन आकृतियों का आकार अलग अलग है। चित्र 3 भी इसी बात को प्रदर्शित कर रहा है। सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, क्योंकि सर्वांगसम आकृतियों में सभी अंग समान होते हैं, रूप में भी समान होते हैं और आकार में भी समान होते हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज तभी समरूप होते हैं जब उनके संगत कोण बराबर हों और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। दो चित्र दिखाए गए हैं जिसमें दो चतुर्भुज लिए गए हैं। पहला चतुर्भुज ABCD है और दूसरा चतुर्भुज PQRS है। दोनों ही चतुर्भुज के संगत कोण समान हैं। कोण A 105 अंश का है, कोण P 105 अंश का है, कोण B 100 अंश का है, कोण Q 100 अंश का है। उसी तरह से बाकी के दोनों संगत कोण भी बराबर हैं। दोनों ही चतुर्भुज रूप में एक जैसे हैं, लेकिन आकार में एक जैसे नहीं हैं। आकार में दोनों चतुर्भुजों की तुलना करने पर हम पाते हैं कि एक चतुर्भुज संगत भुजाएं दूसरे चतुर्भुज की संगत भुजाओं के समानुपाती हैं। अर्थात एक भुजा यदि 2.1 सेंटीमीटर है तो दूसरे चतुर्भुज की वही संगत भुजा 4.2 सेंटीमीटर है, अर्थात दोगुने के बराबर है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यदि आकृतियों के संगत कोण बराबर हों और संगत भुजाएं अगर बराबर न भी हों तो समानुपाती हों, तो आकृतियां समरूप कही जा सकती हैं। सभी वर्ग समरूप होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी वर्ग हैं आकृति में समान हैं, रूप में समान हैं। आकृति बड़ी और छोटी भी हो सकती है। उसी तरह से दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों तथा संगत भुजाएँ बराबर हों। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में आप देखते हैं कि कोण A कोण D के बराबर है, कोण B कोण E के बराबर है, कोण C कोण F के बराबर है, जबकि AB और DE का अनुपात BC और EF के अनुपात और CA और FD के अनुपात के बराबर है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप है। त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी, जिस प्रकार से त्रिभुजों की सर्वांगसमता की कसौटी होती है, उसी प्रकार से त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी होती है। AAA अर्थात कोण कोण कसौटी, दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर तथा संगत भुजाएं समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज समरूप कहे जा सकते हैं। दूसरी कसौटी AA अर्थात कोण कोण कसौटी है। जब एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज समरूप कहे जा सकते हैं। चित्र में ABC और DEF दो त्रिभुज दिखाई पड़ रहे हैं। अगर इनके दो कोण बराबर हैं तो
हम जानते हैं कि चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, तो तीसरा जो कोण है वह स्वतः ही बराबर हो जाएगा। समरूपता की तीसरी कसौटी SSS अर्थात भुजा 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 कसौटी कहलाती है। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज समरूप कहे जा सकते हैं या कहे जाते हैं। चित्र में ABC और DEF दो त्रिभुज दिखाई पड़ रहे हैं जिनकी भुजाएं समानुपाती हैं, अतः ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहे जाएंगे। इस प्रकार आज हम लोगों ने ज्यामितीय आकृतियों की सर्वांगसमता एवं समरूपता को जानने और समझने का प्रयास किया है। इसके अंतर्गत रेखाखंडों की सर्वांगसमता, कोणों की सर्वांगसमता, त्रिभुजों की सर्वांगसमता, त्रिभुजों के सर्वांगसम होने के लिए विभिन्न कसौटियाँ क्या हैं, जैसे कि SSS कसौटी, SAS कसौटी, ASA कसौटी, RHS कसौटी इत्यादि को जाना और समझा है। त्रिभुजों की सर्वांगसमता की विशेषता जो होती है उसके क्या उपयोग हो सकते हैं उसके बारे में भी जानने और समझने का प्रयास किया है। उसी प्रकार सर्वांगसमता के बाद समरूप आकृतियां क्या होती हैं उसको भी जानने और समझने का प्रयास किया है, और समरूप आकृतियों के लिए क्या क्या कसौटियाँ हो सकती हैं उसको भी जाना और समझा है। आशा है कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। धन्यवाद।